मैंने कहा भाई ये रिजर्व बैंक कह रही है 3 साल, डिपार्टमेंट कह रहा है 2 साल, आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं साहब, बोले 1 साल तो लगेगा। अब हमने सबको सुन लिया और हमने कहा 15 अगस्त को लाल किले पर से बोल दिया। मैंने कहा मुझे ये काम 150 दिन में पूरा करना है। दोस्तों पिछले 68 ईयर्स में 1 साल में औसत 1 करोड़ बैंक अकाउंट खुलते थे, 10 मिलियन। हमने ठान ली कि काम करना है, लास्ट 10 वीक में 71 मिलियन बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। सरकार वही, मुलाजिम वही, दफ्तर वही, फाइल वही, आदत वही, लोग भी वही। काम हुआ कि नहीं हुआ? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इतना ही नहीं, देश के गरीब लोगों की ईमानदारी देखिए, देश के गरीबों की ईमानदारी देखिए। मैं और आज इस धरती से उनको सलाम करता हूं। हमने कहा था मुझे गरीबों को बैंक अकाउंट बन खोल करके उनको मुख्य धारा में लाना है। अब उसके पास तो बेचारे को बैंक खाता खोलने के लिए 5 रुपया 10 रुपये भी तो नहीं है। तो हमने नियम बनाया 0 बैलेंस से बैंक अकाउंट खुलेगा। लेकिन आप सब गर्व से कर सकते हो, 0 बैलेंस से जिनका बैंक अकाउंट खोलना था, ऐसे गरीब परिवार के लोगों ने मन में ये सोचा नहीं नहीं मुफ्त में क्यों करें। भले मोदी जी ने तो कह दिया, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हमारा भी कोई जिम्मा होता है। और मेरे दोस्तों आपको जान करके खुशी होगी, इस 70 मिलियन जो बैंक अकाउंट खुले हैं 10 वीक में खुले हैं, 5000 करोड़ रुपया इन्होंने जमा करवाया, 5000 करोड़ रुपीज। किसी ने 100 रुपया, किसी ने 200 रुपया, उसको लगता है कि मैं एक मुख्य धारा से जुड़ रहा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि एक बार हम हमारे देश के लोगों की ताकत को कम ना आके, हमारी व्यवस्थाओं की ताकत कम ना आके, हम व्यवस्थाओं पर भरोसा करें, देशवासियों पर भरोसा करें और उनको सही दिशा में ले जाने के लिए अगर उंगली पकड़ करके चलने की कोशिश करें, वो हमसे भी आगे दौड़ने के लिए तैयार होते हैं। और मैंने उनको कहा है 26 जनवरी फाइनल डेट, पूरा करना है काम। लगे हैं सारे बैंक एम्प्लॉय, लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। दो अक्टूबर से मैंने काम उठाया स्वच्छ भारत का, आप मुझे बताइए दुनिया के किसी भी देश में आप जाते हैं और वहां की स्वच्छता देखते हैं तो सबसे पहले हमारे देश की गली मोहल्ले याद आते हैं कि नहीं आते हैं? हम यहां आकर के कभी गंदगी करते हैं क्या? लेकिन भारत में जाते ही
ये सिर्फ व्यवस्थाओं के कारण ये समस्या नहीं है। मैं जानता हूं कठिन काम है। महात्मा गांधी भी इस बात के लिए बहुत आग्रह करते थे, लेकिन क्या बहुत कठिन काम है इसलिए हाथ ही नहीं लगाना चाहिए क्या? दूर भागना चाहिए क्या? आलोचना सहने की तैयारी चाहिए कि नहीं चाहिए? और भाइयों बहनों, मैंने एक बहुत बड़ा संकट मोल लिया है, जान बूझ करके मोला है। जो लोग 1857 के स्वतंत्र संग्राम में लड़ पड़े थे, शहीद हो गए थे, उनको अपने जीते जी देश की आजादी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन वो अगर ये सोचते हैं कि मेरे जीते जी आजादी मिले तभी तो मैं मरने को तैयार हूं, तो कभी आजादी नहीं मिल सकती। अगर 125 करोड़ देशवासी तय करें तो दुनिया के सामने ये जो हमारी छवि बिगड़ी हुई है उसको भी हम बराबर साफ सुथरा बना सकते हैं, और इसलिए मैंने इस काम को उठाया। शौचालय बनाने में लगा हूं, बताइए, ये देश का प्रधानमंत्री आज एक ही काम कर रहा है, शौचालय बनाओ। खास करके हमारी माताओं बहनों की डिग्निटी, गांव के अंदर आज भी खुले में शौचालय जाना पड़ रहा है, मन में दर्द होती, शर्मिंदगी महसूस होती है दोस्तों। और मैं भी आपसे अनुरोध करता हूं, ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया होगा, आप पूंजीपति नहीं होंगे लेकिन दो टंग अच्छे ढंग से खाना तो जरूर खा सकते होंगे। आप भी अपने गांव में जहां के आप मूल रहने वाले हैं इस काम में कुछ योगदान दे सकते तो जरूर दीजिए, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। स्वच्छता जो है वो ऐसा क्षेत्र है, क्योंकि गंदगी है जो बीमारी को लाती है, और जब बीमारी आती है तो औसत एवरेज एक गरीब परिवार को करीब करीब 6 से 7 हजार रुपये का बोझ आता है एवरेज बीमारी के कारण। अगर हम स्वच्छता का अभियान लेते हैं तो गरीबों की इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती है, और इसलिए आपके दिल में, भारत के लिए सेवा करने का कोई भी भाव है, उस भाव का प्रकटीकरण इस स्वच्छता के माध्यम से हो सकता है। और इसलिए मैं बहुत पहले जब ऑस्ट्रेलिया आया था, यहां काफी मेरा मिलना जुलना हुआ, कई बार आना हुआ है, यहां के लोगों से मिलता था, बात करता था, तो मुझे कई लोग पूछते थे आप ऑस्ट्रेलिया से आप क्या क्या सीखेंगे, आप क्या कहेंगे हमें ऑस्ट्रेलिया से क्या सीखना चाहिए। एक बात मेरे मन को हमेशा छूती थी और वो थी डिग्निटी ऑफ लेबर। यहां के चरित्र में है, जिस आदर के साथ वो डॉक्टर से बात करता है उतने ही आदर से वो ड्राइवर के साथ बात करता है। रिसर्च साइंटिस्ट के नाते काम करता है तो कभी करता है कि वीकेंड पर ड्राइविंग करूंगा तो वीकेंड पर ड्राइविंग करने चला जाता है और टैक्सी चलाता है। ये डिग्निटी ऑफ लेबर, ये ऑस्ट्रेलिया से सीखने वाला विषय है। ये स्वच्छता के माध्यम से मैं इस बात को गर्व देना चाहता हूं, ये गौरव देना चाहता हूं कि सफाई करना
ये कूड़ा कचरा उठाना ये बिलो डिग्निटी नहीं है, ये बहुत इज्जत वाला काम है। और हम भारत में हम लोगों का स्वभाव क्या हो गया है, अगर कोई अपने घर कूड़ा कचरा उठाने के लिए आ जाए तो हम क्या कहते हैं, कचरा वाला आया है। हकीकत वो कचरे वाला नहीं है, वो सफाई वाला है। लेकिन हमारे सोचने के तरीके में ऐसी गड़बड़ हो गई है, हमारी टर्मिनोलॉजी इतनी बदल गई है, कुछ जो सचमुच में सफाई का काम करता है उसको भी हम कचरे वाला कहते हैं। ये स्थिति बदलनी है। और इसलिए, और मैंने देखा है आज हिंदुस्तान में उद्योग जगत के लोग हो, सिने जगत के लोग हो, शिक्षा जगत के लोग हो, राजनीतिक जगत के लोग हो, सबने इसको गौरव के साथ इस काम में शरीक होने का काम उठाया है और मैं सबको इसके लिए अभिनंदन करता हूं। काम कठिन है, दिवाली में भी अपना दो कमरे का घर भी साफ करना है तो हफ्ता लग जाता है, तो इतना बड़ा हिंदुस्तान साफ करना है तो कितना समय लगता है। और इसलिए हमने कहा है 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आ रही है, महात्मा गांधी ने हमें आजादी दी, हम गांधी को क्या दें, कम से कम साफ सुथरा हिंदुस्तान तो उनको चरणों में धरे, हम इतना तो करें। ...2019 तक इस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। और यही चीजें हैं, अगर बीमारी जाती है तो गरीब को फायदा होता है, लेकिन स्वच्छता आती है तो टूरिज्म इतना तेजी से बढ़ेगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के पास क्या नहीं है दुनिया को देने के लिए, दिखाने के लिए, पूरे विश्व के पास जितना है उतना अकेले एक हिंदुस्तान के पास है। हिम्मत के साथ अगर अब दुनिया को जाए लोग आ जाएंगे। लेकिन वो मिजाज भी तो चाहिए, वो दम भी तो चाहिए, अपने आप पर भरोसा भी तो होना चाहिए। इतनी चीज पुरातन चीजें हमारे पास है, विश्व को हम आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत ही ऐसी होते यार, पता नहीं, और बात वहीं अटक जाती है। दुनिया से हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम मेक इन इंडिया का अभियान लेकर के बैठे हैं। मैं चाहता हूं विश्व भारत की धरती पर आए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए, क्योंकि हमारा मकसद एक है, मेरे देश के नौजवान को रोजगार मिले, हमारी सारी नीतियों के केंद्र बिंदु में नौजवान के लिए रोजगार है। जॉब क्रिएशन कैसे हो, और इसके लिए हम दुनिया को कह रहे हैं आइए भारत में पूंजी लगाइए। जिस देश के पास इतने नौजवान हो, वो देश के नौजवान अपने कौशल्य के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा दुनिया को क्या कुछ नहीं दे सकते हैं। और इसलिए मेक इन इंडिया अभियान हमने चलाया है, और उसके लिए नियमों में, कानूनों में, व्यवस्थाओं में बहुत बड़ा तेजी से बदलाव ला रहे हैं। गुड गवर्नेंस से सबसे बड़ी आवश्यकता है, लेकिन पूंजी निवेश के लिए भी कोई आएगा तो सबसे पहले उसके यहां जो लोग आते हैं, सीईओ लाएगा, टॉप मैनेजर्स लाएगा, मैनेजरियल स्किल वाले, वो पहले पूछते भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या है। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था
तो हम जापान के साथ हम चाहते थे जापान हमसे जुड़े, जापान के लोग हमारे आए। हमारे ध्यान में आया कि बाकी सब होगा लेकिन अगर गोल्फ नहीं है तो जापानीज नहीं आएगा। अब गुजरात वालों को गिल्ली डंडा मालूम है, गोल्फ मालूम नहीं। आगे कर हमने प्राइवेट पार्टी को कहा, हमारे कहा भाई तुम गोल्फ के लिए कुछ व्यवस्थाएं करो, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी पूंजी निवेश के लिए आता है तो वो उसके अपने प्रमुख लोगों के लिए, मैनेजरल स्किल जिनका है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहता है। ये भारत की जिम्मेवारी बनती है कि हम उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को लिए लोगों को ऑफर करें ताकि पूंजी निवेश के साथ उसके जो लोग आए उनके जीवन को भी एक स्तर से रहने का अवसर मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी हेल्थ केयर मिले, अच्छा जीवन जीने का अवसर मिले। इन सारी चीजें जुड़ी हुई है। हम सिर्फ सरकार की नीतियां बनाएं और लोगों को कहेंगे ये टैक्स फ्री करेंगे, वो फ्री करेंगे, ये मुफ्त में देंगे, आप आ जाइए, दुनिया आती नहीं है। उसके लिए व्यवस्थाएं विकसित करनी पड़ती होती है, एनवायरमेंट बनाना होता है। मेक इन इंडिया के द्वारा हमने उस दिशा में प्रयास शुरू किया है। भारत की रेलवे, हम सब गर्व कर सकते हैं लेकिन वो वहीं अटकी पड़ी है। न नया एक किलोमीटर रेल की पटरी डाली जाती है, न उसकी स्पीड बढ़ती है, न पैसेंजरों के लिए जगह बढ़ती है, पैसेंजर बढ़ रहे हैं तो अंदर नहीं तो ऊपर बैठते हैं। क्या इन स्थिति का उपाय नहीं है? क्या उपाय है? बड़ी हिम्मत के साथ हमने निर्णय किया है रेलवे में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। हम दुनिया में जो लोग इस पर जानकार हैं मैं निमंत्रित करता हूं, आइए आइए। भारत में रेलवे के विस्तार के लिए इतनी संभावना है, रेलवे के विकास के लिए इतनी संभावना है, रेलवे में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए संभावना है और 125 करोड़ देशवासियों का मार्केट, छोटी बात नहीं है जी। दुनिया में कई देश में रेलवे होगी, पैसेंजर नहीं मिलते होंगे जी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि हम नीतिगत ऐसे बदलाव ला रहे हैं जिन बदलावों के कारण भारत के सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव के लिए, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए हम आगे बढ़े। अब इतना बड़ा रेलवे का नेटवर्क है लेकिन रेलवे में आज तक क्या होता था? जिसको भी नौकरी चाहिए अखबार में जब एडवर्टाइजमेंट आता है वो अप्लाई करता था। अप्लाई करने के बाद रेलवे वाले उसको 6 महीना 1 साल ट्रेनिंग देते थे। ट्रेनिंग आप जानते हैं, फिर सरकारी स्तर पर ट्रेनिंग होती है तो क्या होता है, फिर वो रेलवे में नौकरी में लग जाता था तो उस रेलवे का क्या हाल होता होगा। हमने कहा कि रेलवे अपनी खुद 4 यूनिवर्सिटीज बनाए, जिसको रेलवे में नौकरी करनी है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे और पढ़ाई के दरमियान ही उसके अंदर वो ताकत आ जाए कि उत्तम से उत्तम वो रेलवे की सेवा करे। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो, रेलवे का एक्सपांशन हो, एट द सेम टाइम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी होना चाहिए। और इसके लिए एक और काम जो हमने उठाया है, क्योंकि दुनिया को बहुत बड़े वर्कफोर्स की जरूरत होने वाली है। आज जो दुनिया तेज गति से दौड़ रही है ना, वो बुढ़ापे में आ गई है। आज दुनिया के कई देश हैं जिसके पास आर्थिक सामर्थ्य है लेकिन वर्कफोर्स नहीं है, और सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीवन चलाना संभव नहीं है।
कितनी ही टेक्नोलॉजी लाएं, लेकिन प्रॉपर वर्कफोर्स की जरूरत हर एक को रहने वाली है। और हम भाग्यवान हैं, सारे दुनिया को जितने वर्कफोर्स की जरूरत है वो पहुंचाने के लिए हमारे लोगों ने भरपूर काम किया है। लेकिन वो अधूरा है, स्किल डेवलपमेंट आवश्यक है। स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा और विश्व को जिस प्रकार के वर्कफोर्स की जरूरत है वो वर्कफोर्स के लिए हम अभी से प्लान नहीं करते। हम दुनिया का मैपिंग करना चाहते हैं कि 2020 में दुनिया के किस देश में किस प्रकार के लोगों की जरूरत पड़ेगी। नर्सिंग आज भी दुनिया को जरूरत है, मैथ्स एंड साइंस के टीचर आज भी दुनिया को जरूरत है। क्या भारत वहां से डायमंड ही एक्सपोर्ट करे क्या, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करे क्या, आलू टमाटर एक्सपोर्ट करे क्या? अगर हम दुनिया में बेस्ट क्वालिटी के टीचर एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया को हम अपनी बना सकते हैं। सारे विश्व को इसकी जरूरत है, सारे विश्व को बेस्ट क्वालिटी टीचर्स की जरूरत है, लेकिन उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर ध्यान भारत में देना पड़ता है। 5 साल लगे, 7 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन ऐसे मानव ताकत को तैयार करें जो विश्व की जरूरतों की पूर्ति के लिए हो। हमारे नौजवान को रोजगार मिलेगा, विश्व का कल्याण होगा और भारत की जय जयकार होगी। दोस्तों, विकास की नई ऊंचाइयों को अगर पार करना है, मेरे नौजवान साथियों, भारत ने अपना पूरा ध्यान भारत की युवा शक्ति पर केंद्रित करने की जरूरत है। युवा शक्ति के भरोसे, उनके सामर्थ्य के भरोसे, उनकी टैलेंट के भरोसे हम दुनिया के अंदर भारत का लोहा मनवाने के लिए सामर्थ्यवान बन सकते हैं। और अब दुनिया जमीनी लड़ाई से चलने वाली नहीं है जी, हार जीत जमीनी लड़ाइयों से नहीं होने वाली, वो जगत समय बीत चुका है। अब बाहुबल से नहीं, दुनिया बुद्धि बल से चलने वाली है। धन बल से भी ज्यादा बुद्धि बल काम करने वाला है। और उसके लिए सामर्थ्यवान नागरिकों को तैयार करना, सामर्थ्यवान नागरिकों के भरोसे विश्व की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत को अपने आप को सज्ज करना होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे भाइयों बहनों, मैं जानता हूं ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये जय जयकार, इसके भीतर अपेक्षाएं पड़ी हैं। आकांक्षाएं पड़ी है, लेकिन आपका सपना मेरा सपना है। आपकी इच्छा आकांक्षा है, मेरी इच्छा आकांक्षा है। आप जिस रूप में भारत को देखना चाहते हैं, मैं भी उसी रूप में भारत को बनाना चाहता हूं। फर्क इतना है कि पहले सरकारों लगता था देश बनाएंगे, मैं मानता हूं सरकारें देश नहीं बना सकती और नहीं बनाना चाहिए। देश बनता है देशवासियों के कारण, देश बनता है देशवासियों की शक्ति के कारण। और अगर हम देशवासियों को अपनी शक्ति का भरपूर उपयोग करने का मौका दें, रुकावटें न डालें, सरकार इतना ही करे ना, हट जाए। आपको हैरानी होगी, मैंने आकर के पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने ढिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में,
मेरी गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। ऐसा बोझ बना दिया है। अरे जरा खिड़की खोलो भाई, लोगों को जीने दो, खुली हवा मिलने दो, खिलने लगेगा जी। और इसलिए मैं कहता हूं, देश के नागरिकों पर मुझे भरोसा है, देश के नागरिकों के सामर्थ्य पर भरोसा है, और उन्हीं के भरोसे देश आगे बढ़ने वाला है। सरकारों के भरोसे देश नहीं चल सकता है और न चलना चाहिए, इस विचार का मैं इंसान हूं।